भारत में बहुत चाव से खाई जाने वाली इस मछली पर अब बैन लगा दिया गया है। अब ना तो इस मछली को कोई पाल सकता है और ना ही इसको बाजार में बेचा जा सकता है। लेकिन आखिर भारत में इस मछली पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया है, चलिए समझते हैं इसको। मांगुर मछली, जिसको वॉकिंग कैटफिश और थाई फिश के नाम से भी जाना जाता है, मूलतः ये फिश थाईलैंड की एक हाइब्रिड या यूं कहें कि संकर मछली है, जिसको मत्स्य वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसकी प्रजनन और आकार में जल्दी बढ़ने की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन यह मछली आज पूरी दुनिया में खतरा बन चुकी है। सभी देशों में इसके पालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां भी ये मछलियां पाली जा रही हैं, वहीं इनको मारकर जमीन में गाड़ा जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह मछली पूरी दुनिया में एक त्रासदी का रूप लेने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस हाइब्रिड मछली को नष्ट किया जाना चाहिए। बता दें कि देसी मांगुर मछली देखने में मडी ब्राउन और आकार में छोटी होती है, वहीं इसके विपरीत थाई मांगुर आकार में बड़ी और काली रंग की होती है। जहां देसी मांगुर अमूमन 200 से 250 ग्राम की मिलती है, वहीं विदेशी मांगुर बाजार में 2 से 10 किलो तक की उपलब्ध है। यह मछली पूर्णतः मांसाहारी है, जिसके कारण ये थाई मांगुर तालाब के सभी देशी प्रजातियों की मछलियों और वनस्पतियों को भी खा जाती है। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि अगर किसी तालाब में 150 किस्म की मछलियों की प्रजातियां हैं और अगर उधर कुछ मांगुर मछलियों को छोड़ दिया जाए तो वहां सिर्फ एक ही प्रजाति बचेगी, यानी मांगुर मछली। इस थाई मांगुर मछली को प्रयागराज की गंगा नदी में भी देखा गया है। इस मछली को इंसान के मांस से भी कोई ऐतराज नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो ये प्रीडेटर मछली है, जो इंसानों और पर्यावरण के लिए एक बेहद गंभीर खतरा है। दरअसल इसको बड़ा करने के लिए किसान सड़ा गला मांस तालाबों में डालते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित होता है। साथ ही साथ थाई मांगुर में हैवी मेटल भी पाया जाता है। यही वजह है कि इसे खाने से मनुष्य में हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस के अलावा कैंसर जैसी गंभीर रोग होने का खतरा बना रहता है। विदेशी मांगुर भारत की बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही है। मत्स्य वैज्ञानिकों के अनुसार यदि इस मछली को नियंत्रण में या बैन नहीं किया गया तो पानी के कई पौधे व जीव इस धरती से पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए मछलियों से कई स्तर पर होने वाले नुकसान को देखते हुए NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी सख्त हुआ है। NGT ने बायोडायवर्सिटी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर गंभीरता दिखाते हुए विदेशी मांगुर मछलियों को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया है। NGT ने कहा है कि देश भर के सभी ताल, तालाबों और नदियों में विदेशी मांगुर मछलियों के पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा देशी यानी भारतीय मांगुर मछलियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये भारत की बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए इसका पालन किया जा सकता है। लेकिन ये हाइब्रिड थाई मछली जितनी खतरनाक हमारे इकोसिस्टम के लिए है, उतना ही खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज ये मछली पूरे विश्व में प्रतिबंधित ना होती। इसलिए दोस्तों, अपनी सेहत और इकोसिस्टम के लिए इस प्रीडेटर मछली का अभी से बहिष्कार करो।